अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास क्या होते हैं, उसके अलावा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और जो आज हमने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपका जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कौन से होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, वो ये है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं आपके पास। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास वो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके पास लिखूँ एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, जो डिफरेंट सिंबल्स और साइंस को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाया जाए उसे हम कहते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखें, आपके पास साइन यूज़ किया गया है, दोनों प्लस साइन, और यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिलाया गया है। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मतलब कांस्टेंट है और वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताती हूँ, बस ओवरऑल आप अपने माइंड में इतना रखें कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं आपके पास जो डिफरेंट टर्म्स को और साइंस को मिला कर बनाए जाएँ, उन्हें हम कहते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे टर्म सिर्फ सिंपल एक नंबर नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब आपके पास अलजेब्रा में हम यही यूज़ करते हैं ना, डिफरेंट ए बी सी या एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर, कोई भी वेरिएबल लेकर और उनके मिड में प्लस या माइनस का साइन लगाकर उसकी पावर कर देते हैं, 2, 3 या 4 जितने भी करनी हो उनको मिलाकर जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है नेक्स्ट है आपके पास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है? इधर देखें, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, एक्स के साथ जो भी वेरिएबल के साथ टर्म होगी या फिर आपके पास सिंपल एक फिक्स्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी होती वो हमारे पास फिक्स्ड नंबर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। जैसे एक्स की तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। फिक्स्ड नंबर जो मेरे पास है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 1 है, और इसके साथ क्या है, इसके साथ भी 1 है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है 3 और 1, ये भी 1 सेम है इसलिए 1 टाइम में लिखेंगे, 3 एंड 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि 3 और 1 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब वेरिएबल की बात अगर करें तो वेरिएबल आपके पास क्या है, वेरिएबल आपके पास वो होते हैं जिसमें अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3z डिफरेंट मैं ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स था और यहाँ पे भी एक्स था, दोनों वेरिएबल्स थे जो सेम थे। ठीक है, वेरिएबल आपके पास वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। क्वेश्चंस अक्सर क्वेश्चंस में आगे आपके पास जाके आएगा कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, एक्स वेरिएबल की करें, वाई की करें, जेड की करें। वेरिएबल्स की वैल्यूज सेम कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो हम जब फाइंड करते हैं तो डिफरेंट वैल्यू निकल आती है। जैसे एक्स की अगर हम फाइंड करेंगे तो इसकी मे बी 2 निकल आए, वाई की वैल्यू मे बी 1 आ जाए, और जेड की वैल्यू हो सकता है हमारे पास 5 आ जाए। तो हर वेरिएबल की डिफरेंट भी हो सकती है, सेम बाय चांस सेम भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो वेरिएबल आपके पास ये एक्स वाई जेड ए बी सी इस फॉर्म में होता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। इसके अलावा थर्ड है आपके पास लिटरल। लिटरल क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया वेरिएबल कि हमारे पास वेरिएबल जो इसमें है वो है एक्स वाई जेड। लिटरल क्या होते हैं, लिटरल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि जैसे कि सिंपल इसमें तो ठीक है, अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखती हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 3z, ये मैंने एक एग्जांपल लिख दी। अब इसमें देखें आपके पास ए बी भी यूज़ हो रहा है, एक्स वाई जेड भी यूज़ हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे जी ए और बी, ये भी आप कह सकते हैं कि वेरिएबल है, आपके माइंड में जो आएगा वो आएगा कि ए बी अल्फ़ाबेटिकली है, इसका मतलब है ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल से जो पीछे वाला जो भी टर्म होगी या तो वो नंबर हो सकता है या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकली नंबर भी है, वो वेरिएबल नहीं होता,
वो उसका कोफिशेंट होता है वेरिएबल के साथ, जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड उसके साथ जो भी पीछे, अगर अल्फ़ाबेटिकली और नंबर है हमारे पास, या अल्फ़ाबेटिकली सिंबल है या फिर हमारे पास नंबर है, कुछ भी हो वो उसका कोफिशेंट्स होता है। और लिटरल्स में हमारे पास कोफिशेंट्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये दोनों टर्म, दोनों जो हमारे पास होते हैं वो लिटरल्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टेंट 3 है, कोफिशेंट हमारे पास a और b है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिटरल्स में आ जाएगा a, b एंड 3। क्योंकि मैंने आपसे कहा कॉन्स्टेंट और कॉफिशेंट्स दोनों आते हैं लिटरल में, इसलिए कॉफिशेंट a भी हो गया और लिटरल मेरे पास कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या हो गया 3, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है, तो a b 3 लिटरल्स बन गया। अब आपके जो चैप्टर का नेम है, जैसे पॉलिनोमियल है, इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है। एक्सप्रेशन में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर y प्लस z, एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है। दूसरा एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस y प्लस z, ठीक है, इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और नॉन पॉलिनोमियल कौन सा है। पॉलिनोमियल आपके पास वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनकी जो वेरिएबल की पावर होती है वो ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, ज़ीरो से ऑनवर्ड कोई भी पावर आ जाए, पॉजिटिव पावर आनी चाहिए, उसकी नेगेटिव पावर वेरिएबल की ना हो। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो इस वेरिएबल की पावर तो 2 है, मतलब ये पॉजिटिव पावर है। वाई की पावर देखें तो इसकी पावर 1 है, मतलब ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। इसके अलावा जेड की अगर मैं पावर देखती हूँ, ये भी 1 है, इसका मतलब है ये भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये इन तीनों की पावर वेरिएबल्स की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास क्या है, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है ये। अब अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल को, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर y, 1 ओवर y डिवीजन में लिखा हुआ है प्लस z। तो यहाँ पे आपको तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसकी पावर y की तो 1 है और इसकी z है और इसकी 2 है, मतलब ये पावर्स पॉजिटिव आपको देखने से नज़र आ रही हैं, तो आप कह देंगे जी ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पावर नेगेटिव बन रही है जो कि आपको बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो नेगेटिव में है। कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस ये वाला जो है ना 1 ओवर y, ये आपके पास नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है, क्योंकि जब आपके पास ये जो 1 ओवर y से जब मैं इस वेरिएबल को ऊपर लेकर जाऊंगी, या तो आपने मेरे पे पिछली कहीं पे एक्सरसाइज या किसी क्लास में पढ़ा हो कि जब भी हम वेरिएबल को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी जो भी पावर होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन होते हैं सिंपल डिवीजन के बगैर होते हैं, सिंपल फॉर्म में, तो अब जब मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगी, इस तरह के फॉर्म में बनाऊंगी, तो मेरे पास ये जो इसकी पावर है प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 1 प्लस जेड पावर 1, ठीक है। हमने जब इसको सिंपल में कन्वर्ट किया तो अब मेरे पास वाई की पावर क्या आ गई है, माइनस 1, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। और दूसरा तरीका याद रखने का आपके पास ये है कि अगर आपके पास पावर, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन की कोई भी एक टर्म डिवीजन में आ जाती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाती है, तो वो आपके पास कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होती। लेकिन दूसरी सूरत एक और भी है कि अगर ये देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देती हूँ कि मे बी ऐसे भी हो सकता है कि डिवीजन में जो पावर हो वो पहले ही नेगेटिव हो। ये देखें, इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास कि यहाँ पे लिखा होता है माइनस 3 ओवर 2 और यहाँ पे लिखा होता है जेड 2, ठीक है। इसको देखने से आपको लगता है जी कि ये तो फ्रैक्शन में, और जैसे मैंने कहा कि फ्रैक्शन वाली टर्म जहाँ पे भी आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आपके पास पॉलिनोमियल की पावर अगर नीचे डिवीजन में नेगेटिव आ रही है तो ऊपर जाके वो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा उसमें ये भी पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव पावर है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है।
आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में टर्म होगी उसमें डिनोमिनेटर में जो पावर है अगर प्लस में है तभी वो नॉट पॉलिनोमियल होगी, अगर आपके पास वो पावर नेगेटिव आ जाती है तो तब आपकी ये जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास वो होती है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टर्म की, जैसे ये आपके पास है एक्स का स्क्वायर इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे वाई की पावर है 1, एक इसको देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं डिग्री बताने के लिए, यहाँ पे इसकी पावर है 2, यहाँ पे इसकी पावर है 1, यहाँ पे इसकी पावर है 1, पहली टर्म की तो पावर बन गई 2, सेकंड टर्म की पावर बन रही है 1 और थर्ड टर्म की पावर क्या बन रही है 1। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, किस टर्म की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो हमारे पास बन रही है वो 2 है, तो इसका मतलब है कि डिग्री जो मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की बन रही है वो है डिग्री 2, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। और अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करें तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसकी तो पावर हो गई 4, इसकी पावर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक की पावर 3 है और एक की पावर क्या है 2, तो 3 + 2 कितनी पावर हो गई 5, मतलब इस टर्म की पावर आ गई 5। अगर आप इसको देखें तो यहाँ की पावर है 2 और यहाँ की पावर है 1, तो इसका मतलब है कि 2 + 1 क्या हो गया 3, इस टर्म की पावर क्या आ गई है 3। तो अब इन तीनों टर्म्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, सेकंड टर्म की कितनी है पावर 5, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी, इसकी डिग्री बनेगी 5। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया है, जैसे कि कोफिशिएंट मैंने आपको सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बताए थे कि वो आपके पास फिक्स्ड नंबर होता है, ऐसे ही हमारे पास पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट होते हैं। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दे देती हूँ, 4x + 6y + 4। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसमें आपके पास कोफिशिएंट क्या है, इसमें जो आपके पास कोफिशिएंट है वो है 1, 6 और एक हमारे पास क्या है 4, क्योंकि 4 और 6 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैंने कहा था वेरिएबल के जो लेफ़्ट साइड पे आ जाए वो हमारे पास होता है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं 4 और 6 इसके कोफिशिएंट्स। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ, कि एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट करें इसकी 5.1 तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है राइट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। हमने बताना है कि इन एक्सप्रेशन में कौन कौन से कॉन्स्टेंट गिवन है, तो फर्स्ट है आपके पास 3x + 4। ठीक है, फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है 3x + 4। इसमें आपके पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो है मेरे पास 4। कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे मेरे पास 4 और 3। 3 और 4 लिख लें या 4 और 3 लिख लें, बात आपकी सेम ही है 3 और 4, क्योंकि मैंने आपको कहा था फिक्स नंबर होता है, फिक्स नंबर मेरे पास यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 4 भी है। कॉन्स्टेंट में हमारे पास ज़्यादातर वेरिएबल के बगैर वाली टर्म आती है, क्योंकि ये जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको वो जो फर्स्ट एग्जांपल जो इसकी दी थी उसमें मैंने कॉन्स्टेंट बताया था कि आप वेरिएबल के साथ वाला भी कह सकते हैं, लेकिन हमने वेरिएबल के साथ जो होता है वो हम कहते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि मैंने अभी आपको तब कोफिशिएंट नहीं ना बताया था,
इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कह दिया था कि ये कॉन्स्टेंट है. ये कॉन्स्टेंट भी आपके पास होता है, लेकिन अगर ये वेरिएबल के साथ आ जाता है तो ये आपके पास इसका कोफिशिएंट बन जाता है. और यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो होता है वो होता है फिर जस्ट जिस जो सिंपल एक फिक्स नंबर हो, इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ ना हो रहा हो. तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, 4. आप देखिए सेकेंड है आपके पास 2x³ - 1. इसमें आप देखें तो आपके पास ये तो हो गया वेरिएबल. वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर है वो मेरे पास हो गया कोफिशिएंट. कोफिशिएंट के बाद जो इधर वाला एक नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. इसका मतलब है ये मेरे पास एक फिक्स नंबर है और ये है 1. लेकिन इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का. यहाँ पे साइन था +4 का, तो प्लस साथ लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये -1 फिक्स नंबर है जो हमारा है इसका कॉन्स्टेंट. आप देखें थर्ड है आपके पास 5y + 2x. अब बताएं इसमें कॉन्स्टेंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉन्स्टेंट मुझे नज़र ही नहीं आ रहा. क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस टर्म के साथ भी वेरिएबल है, सेकेंड टर्म के साथ भी वेरिएबल के साथ नंबर है. तो इसका मतलब है ये तो कोफिशिएंट्स है 5 और 2, ये कॉन्स्टेंट तो है नहीं. तो यहाँ पे इसके अलावा कोई और टर्म भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कोई भी नहीं है तो 0. कोई 0 का मतलब है यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता. इसके बाद जो इसका 4th है वो है आपके पास 7y² - 8. इसमें कॉन्स्टेंट क्या है आपके पास, इसमें देखें पहला तो आपके पास y वेरिएबल है, y के साथ वाला नंबर कॉफिशेंट हो गया. और कॉफिशेंट के बाद अगर इस टर्म पे आएँ तो इस टर्म पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है. यहाँ पे जस्ट एक नंबर है, फिक्स्ड एक नंबर है, जो नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता. तो ये क्या है, 8. और 8 के साथ वाला साइन क्या है, माइनस. तो इसका मतलब हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है, -8. इस तरह हमारे पास आज हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. आई होप आपको ये जितनी भी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स बताई हैं इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 की भी इजीली समझ आ गई होगी. हमारे पास कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, कॉफिशेंट कौन से होते हैं, लिटरल्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा डिग्री कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है.